हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे धुसका। ये झारखंड की फेमस रेसिपी है फ्रेंड्स। आलू की सब्जी के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। देखिए, हमने यम्मी यम्मी सी आलू की सब्जी भी बनाई है और ये बलून जैसे धुसका भी बनाए हैं। आपको मैं तोड़ के दिखाती हूँ। बहुत गर्म है यार, एक सेकेंड, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। देखिए, मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया है। बिल्कुल जालीदार धुसका तैयार है हमारा। तो चलिए देख लेते हैं इसको किस तरीके से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने एक ये भगोना ले लिया है और मैंने कप से एक कप चावल ले लिया है। ये नॉर्मल चावल है जो घर में हम डेली यूज करते हैं, ये वही वाला चावल है। कोई अलग सा चावल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक कप मैंने चावल ले लिया है, आप किसी भी कप या ग्लास कटोरी से नाप सकते हैं। और आधा कप, जो कप से मैंने चावल लिया था उसी कप से ये आधा कप चने की दाल है। आपको मैं फिर से एक बार चेक करवा देती हूँ, कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप जिस भी कटोरी या ग्लास से लीजिएगा उससे एक ग्लास चावल और आधा ग्लास चने की दाल और एक चौथाई कप, मैंने ये उड़द की धुली हुई उड़द की दाल ले ली है। ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है फ्रेंड्स। ये तीनों चीज़ों को मैं एक ही बर्तन में भिगा दूंगी। आपको मैं एक बार फिर से दिखा देती हूँ, क्योंकि अगर इसमें गड़बड़ हुआ तो फिर आपका धुसका अच्छे से बनके नहीं तैयार होगा। एक कप चावल, आधा कप चने की दाल और एक चौथाई कप उड़द की दाल, इन तीनों चीज़ों को मैंने नाप के एक ही भगोने में डाल लिया है। अब हम इसको भिगा देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप रात भर के लिए भिगा दीजिए, नहीं है तब भी आपको 6 से 7 घंटे तो भिगाने ही पड़ेंगे। तो इसको हम रात भर के लिए रख दे रहे हैं, इससे अब हम सुबह मुलाकात करते हैं फ्रेंड्स। ये रात भर भीगेगी और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके की नई नई वीडियो आपको देखने को मिलती रहे, नई नई डिश सीखने को मिलती रहे फ्रेंड्स। देखिए, ये पूरी तरीके से फूल गया है, मैं आपको देखिए दिखा दे रही हूँ। अब इसको अच्छे से धुल लेते हैं। देखिए, मैंने अच्छे से धुल के इसका पानी निकाल दिया है। अब इसको पीसेंगे। तो फ्रेंड्स, मिक्सी का जार ले लेंगे। देखिए, मैंने मिक्सी का जार ले लिया है। अब इसमें हम इस चावल दाल को डाल लेंगे और इसको बारीक पीसना है फ्रेंड्स। पानी थोड़ा थोड़ा सा डालें, नहीं तो पीसने में ज़्यादा दिक्कत होगी। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, ये पीस के रेडी हो गया है, एकदम चिकना सा पेस्ट। अब इस तरीके से पीसिएगा, बारीक पीसना है इसको। देखिए, हमने एकदम चिकना सा पेस्ट बना लिया है इसको। मैं देखिए उंगलियों पर रगड़ के आपको दिखा रही हूँ। अब इसको पलट लेंगे, थोड़ा थोड़ा पीसें, पानी थोड़ा थोड़ा डाल के पीसें, क्योंकि इसका हमें ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना बहुत ज़्यादा पतला, इस तरीके का बैटर तैयार करना है। चलिए, जो और बचा है इसको भी पीस लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैं एक टुकड़ा अदरक और 4 से 5 हरी मिर्ची भी डाल दे रही हूँ। इसका काफी अच्छा टेस्ट आता है, इसको स्किप बिल्कुल मत करिएगा, आप जरूर डालिएगा। इसी के साथ इसे भी हम अच्छी तरीके से पीस लेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा डालें ताकि ये अच्छे से पीस सके। ये भी पीस के तैयार हो गया है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ। ये हल्का सा ग्रीन लग रहा होगा क्योंकि इसमें हमने हरी मिर्ची और अदरक को भी इसी में पीस रखा है। ये थोड़ा सा गाढ़ा है। सारे को मैं एक में ही डाल के मिक्स कर लेती हूँ।
देखिए अब आपको अंतर दिख रहा होगा ना, पहले वाला काफी ज्यादा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है। मिक्स कर देते हैं एक ही में। और इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए फ्रेंड्स इसी तरीके से ढक के रख देना है। इसमें कोई इनो सोडा कुछ भी नहीं मिलाना है। अगर आप कुछ भी मिला देंगे तो फिर ये फटने लगेगा कढ़ाई में, इसलिए हमें कुछ भी नहीं करना है, बस इसको ऐसे ही ढक के रख देना है। अब हम इसको 1.5 से 2 घंटे के लिए इस तरीके से छोड़ देंगे। 1.5-2 घंटे में ये हल्का सा फूल के तैयार हो जाएगा और हमारे धुसके जो हैं वो काफ़ी फूले फूले से बनेंगे। जब तक वो उधर रेडी हो रहा है, चलिए हम आलू की सब्जी बना लेते हैं। आप धुसके को आलू के सब्जी के साथ या आलू चने की सब्जी के साथ खाइए। झारखंड में ये आलू चने की सब्जी के साथ मिलती है, बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स ये खाने में। चलिए फटाफट से हम आलू की सब्जी बना लेते हैं। देखिए तेल हमारा गरम हो रहा है, इसमें अब हम 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा हमारा चटकने लगा है। 1 प्याज कट करके डाल दे रहे हैं। इसी में हम 4 हरी मिर्ची बीच से चीरा लगा के डाल दिए हैं फ्रेंड्स। और ये मैं देखिए 6 से 7 आलू लिया है। जो आलू बड़ी थी उसको 2 भाग में कर दिया है, जो छोटी है उसको ऐसे ही रहने दिया है। प्याज हमारी पक गई है फ्रेंड्स, अब हम इसमें आलू को डाल दिए हैं। ये उबले हुए आलू हैं, आप चाहें तो कच्चे आलू भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है आपको किस तरीके की आलू लेनी है। अब हम इसमें मसालों में हल्का सा हल्दी 1/2 चम्मच। फ्रेंड्स इसमें मसाले बहुत कम पड़ेंगे क्योंकि इसे धुसके के साथ खाना है। थोड़ा सा भुना जीरा, एक चम्मच धनिया, और कश्मीरी लाल मिर्ची है ये। ये तीखी बिल्कुल भी नहीं होती है फ्रेंड्स, बट इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। हमें ज़्यादा मसाले डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बहुत कम ही मसालों में इस सब्जी को बनाएंगे। और ये मैंने 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है, इससे सब्जी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और ये मैं 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल दी। सारी चीज़ों को मिला लेते हैं फ्रेंड्स। अब हम इसमें फटाफट से पानी डाल देंगे। मैंने इसमें पानी मिला दिया है, थोड़ा सा ज्यादा ही पानी रखिएगा क्योंकि ये सब्जी जो है वो ग्रेवी वाली बनाई जाती है। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। नमक ध्यान से डालें क्योंकि धुसके में भी नमक पड़ता है, इसीलिए इस सब्जी में मसाला थोड़ा कम डाला जाता है। इसमें हम क्रश करके कसूरी मेथी डाल दे रहे हैं, इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है फ्रेंड्स। एक बार इस तरीके से आलू की सब्जी और धुसका बना के ज़रूर खाइएगा आप, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा और डाल दे रही हूँ। अब इसको, आलू तो हमारे पहले से उबले हैं फिर भी हम इसमें 2 सीटी लगवा लेंगे। देखिए 2 सीटी लग गई है, कुकर हमारा ठंडा हो गया है। वाओ, बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हुई है ना फ्रेंड्स, कितनी टेस्टी लग रही है ना ये सब्जी। हल्का हल्का से इन आलुओं को फोड़ देंगे ताकि थोड़ी सी सब्जी में थिकनेस आ जाए, और ये जब ठंडी होगी सब्जी तो और भी ज्यादा गाढ़ी हो जाएगी। धुसके के साथ ग्रेवी वाली सब्जी खाई जाती है फ्रेंड्स, इसलिए हमने इसको इस तरीके से बनाया है। चलिए इधर धुसका की तैयारी कर लेते हैं। 1.5-2 घंटे हो गए हैं फ्रेंड्स इसको रखे हुए, ये काफी फूल भी गया है, ये काफी गाढ़ा हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा पानी मिलाएंगे और कुछ मसाले मिलाएंगे। देखिए ये मैंने जीरा मिला दिया है, जीरे का स्वाद बहुत अच्छा लगता है धुसके में। 1/4 चम्मच जीरा मिलाया था मैंने। 1 पिंच
मैंने इसमें अजवाइन मिलाई है। अगर आपको ज़्यादा अजवाइन पसंद है तो आप थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया मैंने। ये मैंने जरा सी हींग डाल दी है। हींग डालना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि ये दाल है। और ये मैंने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है, 1/4 चम्मच डाला है मैंने। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार ही डालें क्योंकि ध्यान रखें हमें इसको सब्जी के साथ खाना है। बहुत ज़्यादा नमक हो जाएगा तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा खाने में। अब मैं इसमें पानी डाल दूंगी क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। एक बार अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। इस तरीके का बैटर हमारा तैयार होना चाहिए। देखिए परफेक्ट बैटर बन के तैयार हो गया है। मैं आपको थोड़ा पास से दिखा देती हूँ फ्रेंड्स, कितना चिकना सा बैटर बना है ना। इधर गैस पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, तेल हमारा गरम हो रहा है। इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं तेल गरम हुआ है या नहीं। देखिए चम्मच से थोड़ा सा बैटर डाल के देख लेते हैं, अभी पूरी तरीके से गरम नहीं हुआ है फ्रेंड्स। हमें धुसके के लिए अच्छा गरम तेल चाहिए, नहीं तो हमारे धुसके फूलेंगे नहीं। चलिए तेल गरम हो चुका है, धुसका बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने धुसका डाल दिया है इसमें। फ्रेंड्स तेल हमारा ज़्यादा गरम नहीं है, इस वजह से ये हमारे धुसके जो हैं अच्छी तरीके से फूले नहीं हैं। ध्यान रखिएगा तेल गरम होना चाहिए। देखिए मैं आपको बना के दिखाती हूँ ताकि अगर आपके साथ इस तरीके से हो तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। निकाल लेते हैं इसको, मैं आपको फिर से बना के दिखाती हूँ। वही बैटर है, कुछ अलग नहीं है, बस तेल कम गरम की वजह से वो फूले नहीं। तेल इस बार अच्छी तरीके से गरम है। देखिए हमारे धुसके जो हैं वो काफी अच्छी तरीके से फूल रहे हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ अभी पास से। ध्यान रहे एक थोड़ा रुक रुक के डालिएगा ताकि तेल ठंडा ना होने पाए, नहीं तो अगर तेल ठंडा हो जाएगा तो फिर धुसका जो है वो फूलेगा नहीं। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल बलून के जैसा फूला है ना ये। फ्रेंड्स ये बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में, यम्मी यम्मी से धुसके तैयार है। झारखंड जाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप फटाफट से जब भी इच्छा करे मेरी वीडियो को ऑन करिए और फटाफट से धुसका बना के घर में तैयार करिए। देखिए कितने फूले फूले से बने हैं ना, ये बहुत ही टेस्टी है खाने में। एक बार मैं आपको फिर से बना के दिखा देती हूँ। तेल को फिर से हल्का सा गर्म कर ले क्योंकि तेल गरम रहेगा तभी धुसका फूलेगा। देखिए इस तरीके से करछी से उठाइए और डालते रहिए। देखिए कितने फूले फूले से बने हैं ना फ्रेंड्स। आंच को मीडियम रखिए ताकि अच्छी तरीके से पक जाए। पक गया है फ्रेंड्स, इसको हम निकाल लेते हैं। देखिए चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए हमने इसको आलू की सब्जी के साथ सर्व कर लिया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी आईडी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी।
देखिए फूले फूले से धुसके तैयार है हमारे। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं